वैद्य जी, आप ये बताइए कि आजकल गैस के भी बहुत ज्यादा रोगी हो रहे हैं, इसका कुछ उपचार है आपके पास? जी हाँ भैया, देखिए प्रायः लोग गैस के रोगी कैसे होते हैं। आजकल की जिंदगी हमारी भागम दौड़ वाली जिंदगी जी रहे हम सब लोग। होता क्या है, व्यक्ति को सर्वप्रथम जो जब गैस के लक्षण दिखाई देने लगते हैं तो उसका पहला कारण होता है व्यक्ति का नाभिधारण होना। इससे क्या होता है, लोगों को उल्टी डकार आएगी, गैस पास नहीं होगी, खाना हजम नहीं होगा, किसी को बहुत पतले दस्त लगेंगे, टट्टी में जो है आपके जो है आंव पेचिस जैसी चिकनापन जैसा आएगा। इससे लोगों को जो भरी बड़ी भारी परेशानी का जो सामना करना पड़ता है। इसी में लोगों को जो है ब्लड प्रेशर किसी का बढ़ेगा, किसी को जो है शुगर हो जाएगी, किसी के जो लैट्रिन को जब जाता है व्यक्ति, ताकत लगाता है, पेट साफ नहीं होता, तब उससे होता क्या है, दो बूंद दोनों टाइम जब जब वो लैट्रिन को जाएगा तो धात जरूर जो है गिरेगी, तो व्यक्ति जो कमजोर दुबला पत हो जाता है, इससे कमजोरी आएगी। जी हाँ, तो सबसे पहले व्यक्ति को सुधार होना चाहिए नाभिधारण का। नाभिधारण होने का कारण केवल यह है कि सर्वप्रथम जो बचपन में लोग हस्तमैथुन करते उसके कारण होता है आई कमजोरी आती है और ये शुरू हो जाता है। दूसरी चीज, जब आंतों में जो है गैस भरने लगती है तो हमारी नाभि में जो बीच की जगह होती है तो पेट में कहीं यहां उचकेगी, कहीं वहां उचकेगी, कहीं यहां दर्द होगा, कहीं वहां दर्द होगा। कभी ये जब गैस बनती है तो ये नीचे की ओर ना जाकर के ये सीधे जो बाएं हिस्से की तरफ जाकर के आपके पीठ पर बैठेगी, सर पर बैठेगी और लोगों को जो है घबराहट होती है, बेचैनी होती है, खान पान भूल जाते हैं, लोग डरने लगते हैं। आगे यही जो पता नहीं ये गैस किस मर्ज को जो है नया रोगी जो बना के तैयार कर दे। हम चाहते हैं कि लोग जो है नाभिधारण से जो है बचें, और जब आप इसका बचाव करेंगे तो ये नाना प्रकार की जो बीमारियां आज जो है पूरे जो सब जगह जगह छाई हुई हैं, अपने खान पान सुधारिए और कड़ा भोजन बासा भोजन मत लीजिए। भूख लगे तब आप खाइए, बिना भूख के आप बिल्कुल ना खाइए। और जितने ही आप जो है कड़े पदार्थ, तरल पदार्थ, पेय पदार्थ, अनेक जो है प्रयोग नाना प्रकार के प्रयोग करेंगे तो आप उससे जो अपना नुकसान ही करेंगे और नई बीमारी बड़ी भारी बीमारियां खड़ी हो रही हैं लोगों को। तो चाहता हूं भाई सरल साफ स्वच्छ भोजन और स्वच्छ पानी का प्रयोग करें। इसके लिए मैं चाहता हूं सब लोगों से सुबह उठते ही सर्वप्रथम दो गिलास गुनगुना पानी आप अवश्य लें। ये हर दवाई से अच्छा है, इसको आप जीवन भर लेते रहिए और निरोगी रहिए। अगर जब लोग नहीं मानेंगे तो चल। वैद्य जी, आप किस किस रोग का इलाज करते हैं उपचार? देखिए ऐसा है भैया, जरा आप अपने हाथ दिखाइए। ये देखिए मैं आपको नाभिधारण दिखा रहा हूं कैसे होता है व्यक्ति को नाभिधारण। खड़े हो जरा, देखिए ये है, ये रही, अब देखिए ये है। अगर जो है यहाँ की ये रेखाएं मिल गई आपकी, यहाँ से मिलने के बाद ये रेखाएं और ये रेखाएं आपकी अगर आपस में नहीं मिल रही हैं, इनको यूं होना चाहिए, यूं बराबर। अगर यहाँ अंतर है या आप जो है यहाँ अंतर किए हैं तो वो नाभिधारण का मरीज है। और जब वो नाभिधारण का मरीज है तो उसके अंदर पेट में पता नहीं गैस बनेगी, एसिड बनेगा, पित्त गर्म होगा, भूख ना लगेगी, नींद ना आएगी, बेचैनी, घबराहट, चिड़चिड़ापन, गुस्सा और कमजोरी इत्यादि सब इसी की देन है। तो सबसे पहले व्यक्ति को जो कवर करना है तो इसे कवर करे, नाभिधारण को। इसके सुधार के लिए बहुत से मरीज मेरे पास आते हैं, मैं उनको दवा भी देता हूं, 5 दिन का इलाज देता हूं, 5 दिन लोग खाते हैं, भगवान की कृपा से उन्हें आराम मिल जाता है और उनकी गैस में भी सुधार होने लगता है। बाद में अगर कोई विशाल विकराल बहुत ज्यादा पुराना रोगी है तो उसके लिए फिर मुझे गैस की दवा अलग से भैया देना पड़ता है। और इसके गैस के अलावा, और गैस के अलावा देखिए व्यक्ति को जो पित्त गर्म हो जाता है, अंग्रेजी में हम उसे बोलते हैं एसिड है, तेजाब है, लेकिन हम कहते हैं पित्त गर्म हो गया ज्यादा। तो जब पित्त ज्यादा गर्म हो जाएगा तो या तो भूख बिल्कुल ना लगेगी या बहुत ज्यादा खाना खाएगा। जब बहुत ज्यादा खाना खाता है लोग तो ये सोचते हैं कि यार मुझे शुगर हो गई है क्या, लेकिन नहीं,
वो पित्त की गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि लोग घबरा जाते हैं, और जब तक उसे जो है नियमित दवा नहीं मिलेगी, जब तक पित्त की गर्मी शांत नहीं होगी, तब तक वो व्यक्ति जो ठीक नहीं होगा, दबला पतला होता चला जाए। मतलब कहने का मतलब आपका ये है कि सभी बीमारियों की जड़ है ये, हर जो है बीमारी की जड़ है आपका पेट। और अगर आपकी पाचन शक्तियां सही हैं, लाल ग्रंथियां आ रही हैं, पाचन आपका भोजन जो सुपाच्य हो रहा है, तो आप जो कोई बीमारी नहीं पाएंगे। और जो खान पान बिगाड़ के रख लेते हैं अपना, देखिए मैं चाहता हूं गाय का घी, शुद्ध देसी गाय का घी आप लोग अपने खान पान में प्रयोग करिए। आप जो है अपने पांच चीजें हटा दीजिए आप अपनी गृहस्थी से, आप निरोगी रहेंगे। पहला आपका फ्रिज, दूसरा कुकर, तीसरा चीनी, बिल्कुल है, और खड़ा हुआ ये नमक सफेद, हाँ, और एल्युमिनियम के बर्तन, अच्छा जी हाँ, इनके जिस समय आप लोग जो प्रयोग करते हैं, एल्युमिनियम हो या स्टील हो, इनका अर्क उतरता है। हमारे पुराने जमाने में हमारे बुजुर्ग कौन से यूज किए जाए, लोहा, इसके लिए हाँ लोहे की कढ़ाई में आप सब्जी बनाइए, मिट्टी का बर्तन आप जो प्रयोग करिए, या आपने जैसे हमारे जो पुरानी माताएं बहनें हमारी दाइयां जो होती थी, माताएं होती थी, क्या करती लोगों को, फूल और पीतल में हम लोग सब खाते थे। फूल और पीतल तो अब फूल पीतल है नहीं, कोई महंगा है इतना, कोई खाना नहीं चाहता, तो भैया उसकी जगह आप जो है लोहा, उससे आयरन मिलता है, हमारे शरीर में खून बढ़ेगा, तो आप ये इसका प्रयोग करिए। और इन चीजों से बचिए, चीनी से बचिए, आप उसकी जगह आप गुड़ प्रयोग करिए, गुड़ का आप हलवा बनाइए, मीठा बनाइए, आप कुछ भी खाइए गुड़ का बना हुआ, शुद्ध देसी गुड़ अपना, उससे लाभ लेंगे आप, गुड़ जो है पाचक होता है। तो वैद्य जी आप ये बताइए, जैसे किसी भी हमारे दर्शकों को कोई परेशानी है तो किस किस रोग की दवा देते हैं? देखिए हमारे यहाँ नाभि धारण है, गैस है, एसिड है, धात है, नपुंसकता है, शुक्राणुओं की कमी है, एसिड है, जलन है, बीपी, और बीपी की है, एलर्जी की भी है, कोलेस्ट्रॉल की भी दवा है। लोग आते हैं अपना मांगते हैं, हमारे द्वारा जो भेजी जाती है घुटनों की, आप और डाक द्वारा भी दवा भेजते हैं? हाँ, डाक द्वारा भी हम दवा भेजते हैं। पथरी की दवा भी है आपके पास? हाँ, दवा है हमारे पास, लेकर हमारे पास जो 10-11 mm तक की पथरी हम जो है अपना जो गला देते हैं दवाई से निकल जाती है। अच्छा, पित्त की या पित्त की कहीं की भी हो, पित्त की हो या गुर्दे की, घुटनों के दर्द की भी दवा हमारे पास है, आजकल घुटनों का दर्द ज्यादा चल रहा है। हाँ, बहुत चल रहा है। तो चलिए आपका नंबर दे देंगे स्क्रीन पे, ठीक है। माइग्रेन को दर्द, माइग्रेन का दर्द है, होता है मस्तक में जिनके, और मान लीजिए किसी को नींद नहीं आती, ताकत की भी दवा है हमारे पास, सब जड़ी बूटियां देते हैं, सब शुद्ध जड़ी बूटियां के द्वारा हमारे पास कोई जो है, दिखाओ जरा इनको, बढ़िया दवा रखी होगी। देखिए ये दवा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, अच्छा खवा दो एक चम्मच, ये देखो टेस्टी है ये दवा आपकी, ये आपकी ताकत की, अच्छा अच्छा ताकत, नींद और पेट साफ करने की दवा है। ये दवा कैसा भी सर दर्द हो, अच्छा जी हाँ, माइग्रेन का हो, कैसा भी हो, आधा अधूरा पूरा कैसा भी हो भैया, ये देखिए एक चम्मच सुबह लेना है इसको दूध के साथ, एक चम्मच रात में खाना खाने के बाद, एक घंटे बाद बस इसको खाइए, और एक गिलास दूध दीजिए ऊपर से गाय का दूध। अब ये बाल्टी में क्या रखा, बहुत सारी दवा देखिए, बहुत ये बाल्टी में जो है बहुत ज्यादा मात्रा में रखी है। हाँ, इस बाल्टी में जो है इसको भी दिखाओ जरा, ये जो है चूर्ण है भैया, किस चीज का है, ये गैस का है। अच्छा, अब व्यक्ति जो है जब जाता है, अच्छा जाता है व्यक्ति अपने जो शौचालय में बैठता है जाकर के, पेट साफ नहीं होता, ताकत लगाता है, दो बूंदा धात की गिराता है, कब्ज की दवा, कब्ज की दवा है इसी में। अगर व्यक्ति को कभी कभी होता है कि श्वास जैसी आने लगती है, लोगों के हड़पा चलते ऐसे ऐसे करते हैं, तो उसके में भी ये लाभकारी,
कई मर्जों में लाभकारी है। पेट से संबंधित जितने भी रोग हैं उन सब जो है मर्जों की दवा है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका नंबर हम स्क्रीन पर दे देंगे, जैसे किसी को दवा मंगवानी है तो आप डाक द्वारा। हाँ, डाक द्वारा जी। और जिन दर्शकों को यहाँ आना चाहते हो, हाँ, तो ये है गहरौली ग्राम। नंबर बता दियो सब कॉन्टेक्ट करके। गहरौली हमीरपुर जिले में आता है गहरौली ग्राम, तो अपना थोड़ा पता बता दो आप कैसे कैसे। देखिए हमारे यहाँ जिले का, हमीरपुर जिले का सबसे बड़ा गाँव है गहरौली गाँव। ये मुस्करा विकास खंड, तहसील मोदहा, जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड प्रांत से हैं। आने के लिए अगर आप महोबा क्षेत्र से आते हैं, महोबा जिले से गहरौली के लिए आते हैं, तो 11 बजे रोडवेज से आपको जो रोडवेज साधन मिलेगा सीधे गहरौली होते हुए गाड़ी दिल्ली जाती है, उससे भी आ सकते रोडवेज जी हाँ, उससे भी आप आ सकते हैं। अगर आप राठ क्षेत्र से आते हैं तो राठ से आपको मुस्करा आना पड़ेगा, मुस्करा से जो है आप जो है गहरौली के लिए साधन मिलेंगे, आप आइए गहरौली आ जाएंगे। जब यहाँ आएंगे आप, तब आप आकर के जो है जैसे ही गहरौली में प्रवेश करने लगे तो यहाँ हमारे एक गुप्ता जी हैं, स्वर्गीय श्री सूरज प्रसाद जी गुप्ता। नजला की दवा है जी? हाँ नजला की दवा है, बिल्कुल है। तो यहाँ हमारे जो है स्वर्गीय श्री सूरज प्रसाद गुप्ता जी की सबसे बड़ी दुकान है गाँव के अंदर, उनके पास जो मेरा मकान है, उन जो दुकानदार वहां बैठा होगा उनका लड़का, उनसे आप पूछेंगे कि भैया इनका घर कहाँ है, फिर भी आपका नंबर दे देंगे तो। हाँ हाँ, तो नंबर है तो नंबर से आप संपर्क करते हैं। जो लोग मोदहा क्षेत्र से हमीरपुर वाया मोदहा होते हुए आए तो वो राठ रोड पर मोदहा से मीडिया गांव है, वहां उतर करके आप जो है गहरौली आ सकते हैं।